क्लिनिकल साइकोलॉजी की खिदमत जब तक रहेंगी मैडम का नाम रहेगा। ट्रांसमिशन वेलनेस क्लिनिक जहाँ पे जो सर्विसेज देने वाले मेजॉरिटी लोग मैडम के ही स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बड़े फख्र की बात है कि आज इस मेंटल हेल्थ मंथ 2022 में इनसे बड़ी गिरा कदर शख्सियत हमारे लिए कोई हो नहीं सकती थी जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए नॉमिनेट ना किया जाए। तो इस वक्त हम मैडम के पास मौजूद हैं और हमें इस बात की खुशी है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए मैडम को नॉमिनेट किया गया है। मैडम, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स ऑन दिस? शुक्रिया इमरान, और शुक्रिया ट्रांसफॉर्मेशन वेलबींग क्लिनिक्स कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप ये लाइफ टाइम अवार्ड मुझे दें। बात यह है कि लाइफ तो चलती ही रहती है, अवार्ड जो है वो तो कब आते जाते रहते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है वो हमारी ये है कि हम जो भी चीज़ बनाएं, चाहे वो क्लिनिक्स हो, चाहे वो कोई इदारा हो या कुछ भी हो, तो उसको इस काबिल कर दें कि अगर दुनिया में नहीं तो कम से कम अपने मुल्क में तो इस काबिल हो जाए कि लोग ये कहें कि यहाँ पर तालीम भी तरबियत याफ्ता लोग देते हैं, काम भी तरबियत याफ्ता लोग दे करते हैं, और पढ़ते भी जो लोग हैं वो आगे बढ़ के तरबियत ही देते हैं और अपने उसूलों पर कायम रख के काम करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर हमारे स्टूडेंट्स जो अब यहाँ पर काम कर रहे हैं वो आगे बढ़कर भी हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मरहून मिन्नत रखेंगे और आगे बढ़ के उन्हीं स्टैंडर्ड्स को कायम करते हुए क्लिनिकल साइकोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमारा जो मिशन है वो पूरा हो जाएगा। मेरे ख्याल में जो मेन चीज़ है वो ये है, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप इस काबिल हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं, आप उस काम को छोड़िए नहीं, आप काम करते रहिए और उसकी अहमियत को सिर्फ अपने में नहीं बल्कि दूसरों में उजागर कीजिए, और जितना आप उसको दूसरों में उजागर करेंगे उतना ही वो फील्ड जो है जिसको आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो आगे बढ़ेगा। मेरा एक सजेशन ये है कि हम इदारे बना रहे हैं जहाँ पर लोगों को पढ़ा रहे हैं, उनको नॉलेज दे रहे हैं साइंटिफिक और सब कुछ, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि इदारे बनाना आसान भी है और मुश्किल भी है, दोनों। ये नहीं कि आसान है सिर्फ, मुश्किल भी बहुत है। और आपको एक सजेशन अब ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारी दुनिया में भी मैं कहूँगी और पाकिस्तान में भी काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन अब हो ये रहा है कि हम ये देखें कि इदारों के करीब करीब तो काम हो रहा है लेकिन कम्युनिटी में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप शुरू से ही मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोपोगेट करती हैं, साइकेट्रिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की इम्पोर्टेंस पे शुरू से ही बात करती रही हैं। आज ट्रांसमिशन वेलनेस क्लिनिक में साइकेट्रिस्ट, आपके लगाए हुए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, RTMS सारे एक सब जगह बैठे हैं, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट सब इस वक्त आपके सामने ट्रांसमिशन वेलनेस सेंटर में बैठे हैं। साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का मिल के काम करना आपको अभी कैसा लग रहा है? मिल के जब हम बच्चे थे समझ लें एक तरह, ये मैं 1958-60 की बात कर रही हूँ, तो बच्चे ही थे, तो उस वक्त भी साइकेट्रिस्ट भी यहाँ पर बहुत ही कम थे और साइकोलॉजिस्ट तो सिर्फ मैं ही थी और कोई था ही नहीं। उसमें ये है कि डॉक्टर अफजल हबीब थे जो कि यहाँ पर अमेरिका से आए थे और उन्होंने कंसल्टेंट साइकोट्रिस्ट थे, मैंने उनके साथ काम किया है तकरीबन 21 साल, और लोग कहते हैं कि ECT दी जाती थी, ये किया जाता था, तो मेरा ख्याल है मैंने उनको असिस्ट किया है तकरीबन 1000 से ज़्यादा ECTs में। और फिर डॉक्टर जकी हसन होते थे जो कि
ख्वाजा ज़की हसन जो JPMC में प्रोफेसर थे, वो हमारे साथ होते थे। फिर डॉक्टर हारून थे, हम चारों थे जो कि हम कराची में काम कर रहे थे और मेंटल हेल्थ की तरफ। साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को जो हमने अमलगमेट किया वो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ शुरू की। उसमें पहले प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर अफजल हबीब थे, उसके बाद सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर ज़की हसन थे, फिर डॉक्टर ज़की हसन प्रेसिडेंट बन गए, तो उसके बाद डॉक्टर फिर मैं सेक्रेटरी जनरल बन गई। तो मतलब ये कि हम तीन चार लोग ऐसे थे, डॉक्टर हारून, मैं, डॉक्टर ज़की हसन और डॉक्टर अफजल हबीब, कि हम लोगों ने ये इदारे खोले और इन इदारों को इतना आगे बढ़ाया कि अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर विश ऑफ नॉमिनेटिंग यू। मेरे नहीं ख्याल कि ये अवार्ड कहीं से भी जस्टिफाई करता है जो आपकी पूरी लाइफ है, लेकिन हम स्टूडेंट्स का आपके लिए जेस्चर, आपने इसको कबूल किया, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।